देखो सामने है नाला। नैनीताल का रोड अपडेट स्टेटस जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं लेटेस्ट अपडेट जो 9th अगस्त 2023 का है इस वीडियो में शेयर करूंगा कि रोड कंडीशन क्या है और कहां कहां पे नाले बने हुए हैं रोड पे और कहां कहां पे रिवर ओवरफ्लो करे जाज और कौन सा रूट आपको नहीं लेना चाहिए। सो इस वीडियो को जरूर देखेगा एंड तक। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर विद अल्फा। सो आज 9 अगस्त और आज है मेरा बर्थडे। सो आज अपन निकल रहे हैं एक नई ट्रिप की तरफ, क्योंकि मैं काफ़ी बोर हो रहा था काफ़ी 2-3 महीने से, और गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो गया था, तो कि घर पे पड़े पड़े बोर हो गए थे। मैंने सोचा इस बार बर्थडे पे चलो कुछ हैपनिंग सा करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बर्थडे जितने टाइम हो चुका है हमेशा घर पे सेलिब्रेट करें। तो आज हम निकल रहे हैं टूवर्ड्स नैनीताल, क्योंकि घर के आसपास और अभी जो सेफ कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी कंडीशन सेफ है रोड कंडीशन के कंपैरिजन। अपन मेरठ जो एक्सप्रेस वे था वहाँ से अभी हमने लेफ्ट टर्न ले लिया, क्योंकि हमें हापुड़ होकर जाना है। तो ये आ गया आपका यहाँ से लेफ्ट लेते के साथ ही ये आ जाएगा आपका यहाँ से नैनीताल का। तो यहाँ से हापुड़ 28 किलोमीटर है, बरेली 236 किलोमीटर आपका हल्द्वानी पड़ जाएगा। बस यही रूट फॉलो करना है आपको, अगर आपको हल्द्वानी के रूट से जाना है, नहीं तो अगर आपको ये बाजपुर होके जाना तो थोड़ा शॉर्ट पड़ जाएगा कालोदंगी होके, तो हम तो वही रूट फॉलो करेंगे। ये देखो यहाँ पे गड्ढा भयंकर वाला इस साइड में, ये कई गाड़ी का पहिया, ठीक है। ये देखो कितना डीप गड्ढा, ये भी भयंकर गड्ढा। तो रोड बहुत ही ज्यादा खराब है यहाँ का। पता नहीं कैसे कैसे ट्रक गए हैं, पूरा पिचका दिया रोड को। ये देखो ये आगे एकदम से सेंटर ऑफ द रोड में गड्ढा, अब गड्ढा ठहर गया यार रोड का पूरा। अपन चल रहे हैं रामपुर की तरफ। रामपुर के अंदर पूरा जो ये विलेज का जो एरिया है ना, रामपुर से पहले है, पता नहीं रामपुर है ये, तो यहाँ पे रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब मैक्सिमम स्पीड जो है वो आपकी 60 या हार्डली 60 जाएगा। कई बार तो रोड के अंदर बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है, और अभी जैसे बाई चांस रोड ठीक मिल गया है, बट कभी कभी रोड बहुत ख़राब हो रहा है। और सबसे बड़ी बेकार चीज़ है कि यहाँ पे देखो जैसे ये रोड ख़राब था, ये सेपरेशन नहीं है, तो जो हाई बीम वाले लोग हैं ना तो उनसे बहुत दिक्कत होती है। सेपरेशन होता तो वो थोड़ा इजी रहता। अब ये सामने से आते हैं, इनको देखो मैंने हाई बीम मार रखी है, तो मैंने अपनी लो कर दी है, ठीक है, भाई नहीं कर रहा, तो ये दिक्कत है इनके साथ। सुबह के 6:13 हो रहे हैं और अपन लोग अभी जो हल्द्वानी का रास्ता है उस पर पहुँच गए हैं, क्योंकि बाजपुर वाला जो रोड था बाजपुर नैनीताल का, वहाँ तो काफ़ी पानी भरा हुआ था, तो किसी लोकल के हेल्प के थ्रू हम लोग अंदर अंदर से थोड़ा पहुँच तो गए वहाँ पे। तो कालादुंगी से जो रास्ता था नैनीताल का वो तो भी बंद है, तो अब हमें जस्ट यहाँ पे रुक के अभी हम पी रहे हैं सुबह की अपनी पहली चाय, और यहाँ से अब हमें जाना पड़ेगा हल्द्वानी, जो कि हमें थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, और हल्द्वानी में देखना पड़ेगा कि नैनीताल का रास्ता खुला है या बंद है। तो अब बस चाय पी के यहाँ से निकलेंगे। मैं सोच रहा था कि थोड़ा रेस्ट कर लूँगा, बट टाइम ज़्यादा ही ख़राब हो गया, तो क्योंकि वहाँ से 2 घंटे और लगेंगे, तो वहाँ जाके ये भी देखना पड़ेगा रास्ता ओपन है या हमें वहाँ पर वेट करना है, क्या है क्या नहीं है, तो वहाँ जाके अपडेट पास चलेगा लेटेस्ट रोड कंडीशन का। तो बस चाय ख़त्म करके चलते हैं, और स्कूबी को देखो फुल एनर्जी के साथ सोया नहीं है लड़का, बस मैं ये खा लूँ मैं वो खा लूँ, है मम्मी पूरे रास्ते ये लड़का मेरे साथ राइट शोल्डर के पास रहा है कि हाँ ये चला कैसे रहा है गाड़ी लड़का। देखो सामने है नाला, सभी सामने हमारे जो है स्कूटी वाले वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हम उनके बाद क्रॉस करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है यहाँ पे इस साइड पर। भाई लोगों आपको नैनीताल के रास्ते का मस्त रास्ता चीज़ दिखाता, देखो ये देखो। तो अभी ये हाल है यहाँ पे, अपन लोग फंस गए हैं रास्ते में, क्योंकि जो सामने का रास्ता है ना देखो वहाँ पे
नाला मतलब ओवरफ्लो कर गया रोड पे, तो हमने तो अपनी गाड़ी वहाँ लगा दी है पूरी, और छोटी छोटी गाड़ियाँ तो क्रॉस कर ही रही है वहाँ से। रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा स्पीड में पानी बह रहा है, और ये जो गाड़ी है ना ये बस वहाँ से निकल कर आई है, तो ये ट्रक आया है। एक तो लोगों ने ना वहाँ पे पूरा जाम इकट्ठा कर दिया, रास्ता ही ब्लॉक कर दिया है, तो अगर साइड साइड में लगा लेते ना तो वहाँ से आने वाले लोगों का ट्रैफिक भी निकल जाता, अब दिक्कत हो रही है। तो अब देखते हैं दो तीन गोल, अब जैसे हमारे सामने अगर ये बंदा अगर ट्राई करता है तो उसके पीछे हम भी ट्राई करेंगे एक बार, क्योंकि गाड़ियाँ क्रेटा ऐसी गाड़ी है जो है एसयूवी गाड़ी तो निकल रही है मेरे सामने, मैंने देखी इवन एस्प्रेसो ऐसी गाड़ी निकली उस पानी से, तो एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। सो यहाँ पे अभी हम लाइन में लगे हुए हैं गाड़ी निकालने के लिए, तो ये देखो ये है नाले का हाल, ये प्रेशर है पानी का, और ये ट्रक, ये सामने से ट्रक आ रहा है। सो फाइनली अपन ने निकाल ली गाड़ी वहां से, क्या बोलते हैं ब्रेजा पावर, एसयूवी का होने का यही बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है, वो निकल गया आराम से, बहुत कम से कम हमारे आधा पौन घंटा खराब हो गया। ये है हमारा पहला लुक पहाड़ों का नैनीताल की तरफ, किसी तरह हमने निकल गए, ये जैसे सामने पहलीने वाला भाई है, हम दोनों बस साथ साथ जा रहे थे, दोनों को नैनीताल जाना, तो हमने कहा चलो साथ साथ आगे पीछे कुछ होगा तो एक दूसरे की हेल्प आउट हो जाएगी। और ये देखो व्यू, जिस व्यू के लिए मैं आया था कि मेरे को जो बर्थडे में व्यू चाहिए था वो यहाँ पर है, क्लाउड्स सो जो इस टाइम पे सारे नीचे पड़े हुए हैं, और देखो यहाँ पे आ गया सारा। अभी हम हल्द्वानी क्रॉस कर चुके हैं तो काठगोदाम की तरफ जा रहे हैं, तो ये व्यू देखो बड़ा गजब है, वो सामने देखो क्लाउड्स ही क्लाउड्स, अब आगे चल के कोई अच्छा व्यू आएगा तो वो कैप्चर करते हैं। मैप हमारा ये दिखा रहा है कि यहाँ से 37 मिनट्स का रास्ता है हमारे होम स्टे का या होटल का वट एवर, वो मुझे आके पता चलेगा वो है क्या। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखी है थोड़ी सी, यहाँ पे थोड़ी सी लैंडस्लाइड हो रखी है, तो जेसीबी मशीन उसको साफ़ कर रही है, तो यहाँ पे सारे खड़े हैं, पीछे ज़्यादा लाइन नहीं है। ए स्कूबी को देखो मस्त, ओ स्कूबी स्कूबी, ये अलग ही मज़े में है, स्कूबी अलग ही धुन में आज, मौसम काफ़ी सुहावना है। और नैनीताल में अभी तो बारिश नहीं हो रही है, मतलब कितने देर 8:30 हो रहा है और अभी तो बारिश नहीं हो रही है, पर नीचे काफ़ी बारिश हुई है और बोल रहे हैं काफ़ी दो दिन से बारिश हुई थी। अपनी चल रही है माउंटेन वाली ड्राइविंग, और यहाँ से अभी हमारा रास्ता बचा है करीबन 14-15 किलोमीटर का रास्ता है, और रूम का भी अभी हमने डिसाइड करना है, क्योंकि हमने दो होटल बुक करे हैं, बाकी अगर होप क्योंकि ऑनलाइन तो पेट फ्रेंडली काफ़ी हमें महंगा मिल रहा था, तो फिर हमने किस तरह वॉकिंग में गूगल मैप पे ढूंढ डांड के निकाला है, तो वहाँ जाके देखेंगे कौन सा रूम बेटर है, कौन सा रूम नैनी लेक के पास होगा। बाकी यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, जिसके जिस मतलब जिस चीज़ की तलाश मुझे थी ना, क्लाउड नीचे नीचे नीचे, वही एग्जैक्टली यहाँ पर अभी, तो बहुत ही सुहावना मौसम है एकदम गजब। अभी पहुँच गए नैनीताल, और अभी हमें एक जू रोड जाता है ऊपर की तरफ वहाँ पे, क्योंकि हमारा हमने जो होम स्टे मतलब होटल देखा था उसका नाम था एस एच नक्षत्रीन, और एक था उसका उसी का स्वीट होम करके था, तो वहाँ पे जो जू वाला जो रोड है ना वो ऐसा है, ठीक है, तो पार्किंग की तो बहुत समस्या है यहाँ पे, तो हमने बहुत मुश्किल से गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी अपनी साइड में जू वाले रोड पे एकदम कट के पास। बाकी अभी बहन गई है देखने के लिए रूम कैसा है कैसा नहीं है, और यहाँ से व्यू देखो कितना मस्त आ रहा है। अब यहीं कहीं से शायद कहीं लेक दिखेगी, अब पता नहीं किधर दिखेगी, यहीं कहीं से नीचे या नीचे की साइड कहीं व्यू है लेक का, और पूरा फॉगी फॉगी है, पूरा का पूरा जो वेदर है ना यहाँ का फॉगी फॉगी, और बड़ा मस्त है, मतलब देखने बड़ा मज़ा आएगा। है मम्मी कैसा लगा है का वेदर? बढ़िया है, बढ़िया है, सिर्फ बढ़िया, बहुत बढ़िया बट क्लाउडी है। और इसको देखो चुईया को, ए स्कूबी चुईया, स्कूबी चुईया, ये लड़का सोया ही नहीं है रात से। अपन पहुंच गए अपने रूम में,
हमारे होटल का नाम है स्वीट होम, जो बेसिकली मॉल रोड से 200-300 मीटर की दूरी पे है, और रूम ऐसा है, बेसिक है, ठीक है। और इसको देखो स्कूबी को, इसको ज़्यादा व्यू देखना है स्कूबी, तू यहाँ पे व्यू देखेगा है? और यहाँ से लेक का व्यू आ रहा है ऐसा। बाकी इनके पास फ्रंट रूम्स भी हैं जहाँ से व्यू आता है, जो बैल्कनी है वो देखने चलते हैं, बैल्कनी का व्यू कैसे है। छोटी सी बैल्कनी है, इस बैल्कनी से ऐसा व्यू आ रहा है लेक का, और वो देखने मस्त लग रहा है, क्लाउडी क्लाउडी। सो व्यू तो ठीक है यहाँ का ना, काफ़ी ठीक सा है। और नीचे शायद ये वाला रूम होगा थोड़ा सा गर्मी का मिला फ्रंट वाला, और क्लाउड्स तो बहुत नीचे आ रखे हैं। अब चल के थोड़ा रेस्ट करते हैं अपन लोग। सो हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है, ब्रेकफास्ट में हमने तीन अपने मिक्स परांठा, आलू अश परांठा और गोभी परांठा ऑर्डर किया, और साथ में अपनी तीन चाय, और इस खाने के साथ हम अपना मस्त व्यू देखते हुए इंजॉय करेंगे। अपने रूम से हार्डली 200 मीटर्स वॉक करने के बाद ये नैनी लेक का व्यू आ जाता है मॉल रोड पे, और यहाँ का व्यू बहुत ही अमेजिंग सा है। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि जस्ट बिकॉज मानसून के टाइम पे ना नैनी लेक का जो मतलब हाइट है काफ़ी बढ़ गया पानी का, पहले कम था काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। बट सामने देखो इतना मस्त व्यू आ रहा है ना क्लाउड्स का, क्लाउड्स काफ़ी सारे नीचे आ रहे हैं। और सो गाइस यहाँ पे देखो नैनी झील के अंदर कितनी सारी मच्छी है ना, यहाँ पे देखो दिख रही है ना, ऊपर क्लाउड है, और वहाँ कॉर्नर पे ना सबसे लास्ट में वो है आपका नैनी लेक, जो नैनी मंदिर है ना, देखो ये सबसे कॉर्नर पे। ये जो है ना ये लेफ्ट हैंड साइड में ये है नैनी मंदिर स्कूबी, और ये है हमारी बग्गा। यहाँ पे दोनों के बीच में अलग ही रिलेशनशिप स्टेटस चल रहा है, देखो दोनों एक दूसरे को डरा रहे हैं। बग्गा को देखो एकदम फुल पग के, बग्गा ये देखो तो होप आपने ये वाला जो व्यू है उसको इंजॉय करो, बहुत ही गजब व्यू हो रहा है क्लाउड्स का यहाँ पे। सो आज का जो ये एपिसोड है इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब इसके बाद मुझे करना अपना बर्थडे सेलिब्रेट स्कूबी के साथ नैनीताल के मॉल रोड के किसी कैफे में। बाकी इस व्यू को आप देखो, एकदम ज़बरदस्त व्यू है, इसको मतलब भुला ही नहीं भूल सकते, और इस बर्थडे को नहीं भूल सकता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस एपिसोड। अगर आपको जानना है कि मैंने अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया, तो नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखिएगा कि आप कौन सी जगह पर अपने पेट के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हो, नैनीताल मॉल रोड पर।